दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ चिन्हों के बारे में बात करेंगे। कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। इन चिन्हों का हमारी सफलता में या हमारे सफलता में बड़ा योगदान होता है। हमारी हथेली पर उभरते हैं और हमारे व्यक्तित्व, हमारे जीवन, हमारी सफलता को बहुत प्रभावित करते हैं। तो करते हैं शुरुआत करते हैं शुभ से। शुभ में जो सबसे पहले आता है वो है स्क्वायर। इस स्क्वायर को गुरु का चिन्ह माना जाता है। गुरु हमेशा अच्छा रास्ता दिखाता है, कल्याणकारी होता है, संकट में रक्षा का काम करता है। जहाँ पर भी उभरे, चाहे किसी पर्वत पर, चाहे किसी रेखा पर, वहाँ उस पर्वत उस ग्रह के सद्गुणों में वृद्धि कर देता है। दूसरा देखिए, ट्रायंगल और धन का एक गहरा संबंध होता है। जैसे गुरु रक्षा करता है, ऐसे ही ट्रायंगल धन से संबंध रखता है, जातक को संपन्नता देता है। और ट्रायंगल ये मंगल ग्रह का निशान है, बहुत शुभ होता है। जिस भी पर्वत या रेखा पर उभर जाए उससे संबंधित गुणों को बढ़ा देता है और जातक के जीवन में सफलता आती है, कुछ मंगल होता है। आगे चलिए, स्टार, सितारा, ये सूर्य का निशान है, सूर्य ग्रह का, शुभ होता है। जिस पर्वत पर भी उभरे, इसका संबंध सम्मान और यश से होता है। जिस पर्वत या रेखा पर उभरे उसके सद्गुणों में वृद्धि कर देगा। लेकिन यहाँ एक अपवाद कि शनि पर्वत पर अगर स्टार बन जाए तो यह अशुभ माना जाता है, क्योंकि शनि और सूर्य ये आपस में दुश्मन ग्रह हैं। तो शनि पर स्टार बनता है तो कुछ अशुभ होने की प्रबल संभावना होती है। अब बात करते हैं कुछ अशुभ निशान की। अशुभ में सबसे पहले ले लीजिए जाल, गृण। जहाँ भी उभरेगा, जिस पर्वत पर भी उभरेगा, जिस रेखा भी ऊपर भी उभरेगा, उसके गुणों में कमी करेगा, उसके अवगुणों में वृद्धि करेगा। रेखा निशान वास्तव में राहु का निशान है। कोई ना कोई विघ्न बाधा अवश्य आती है। नेक्स्ट लेते हैं द्वीप। द्वीप केतु का निशान है, यह भी अशुभ।
जिस पर्वत पर जिस रेखा पर बनता है उस काल अवधि के दौरान जातक तरक्की नहीं कर पाता, जहाँ भी उभरेगा अवगुण में वृद्धि करेगा, सद्गुण में कमी कर देगा, अशुभ फल देता है। आगे लीजिए क्रॉस। क्रॉस राहु का निशान है। जिस पर्वत पर जिस रेखा पर उभरे अवधि में उभर रहा है उस अवधि में अपना दुष्प्रभाव दिखाएगा। जातक की हथेली पर जिस पर्वत या रेखा पर है उस पर्वत रेखा के सद्गुणों में कमी करेगा और अणु अवगुणों में वृद्धि करेगा, जिंदगी में बाधाएं उत्पन्न करेगा। तो क्रॉस अशुभ माना जाता है। यहाँ भी एक अपवाद, गुरु ग्रह पर अगर क्रॉस बने तो ये क्रॉस शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा जातक धार्मिक स्वभाव का होता है। ऐसे जातक को विवाह से संबंधित सुख खूब मिलते हैं। तो इस तरह से अगर हमारी हथेली पर कोई स्क्वायर उभरे, कोई ट्रायंगल उभरे, कोई स्टार उभरे, तो वो सफलता की तरफ इशारा करता है। यदि कोई जाल, कोई दीप, कोई क्रॉस उभरे तो किसी असफलता की तरफ इशारा करता है। इस तरह से हमारी हथेली पर भरने वाले कुछ ग्रह विशेष संबंधित चिन्ह हमारी सफलता और असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आशा करता हूँ ये छोटा सा तथ्य आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।